हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरोबियोन फॉर्ट। ये जो न्यूरोबियोन फॉर्ट इंजेक्शन है, इसके यूजेज, साइड इफेक्ट एंड डोजेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इस ड्रग्स का यूज डॉक्टर के कंसल्टेंसी से ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडुकेशन पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट के बारे में जानना। तो सबसे पहली बात बता दूं कि जो इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट जो है, एक मल्टीविटामिन है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो न्यूरोबियोन फॉर्ट है, ये हेल्पफुल होता है फॉर ट्रीटिंग न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। हमारे बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन, जैसे कि हम विटामिन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जितने भी डिजीज होते हैं, उनको ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन डिजीज कौन कौन सा हो गया, फैटिग यानी शरीर में थकावट आना। दूसरा जो है अंडरवेट, अगर आपका वेट कम हो रहा है या एनीमिया है, या आपके हेयर लॉस हो रहे हैं, या कब्ज है पेट में, या आपका स्किन पीला पड़ रहा है, या अल्सर है, या गैस वाली प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीजों के लिए आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट का। थर्ड बात आपको ये याद रखना है कि इसका जो कंपोजिशन है इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट का, ये है मिथाइल कोबा एलवाइन से बना होता है, विटामिन B6 से बना होता है और निकोटामाइड से बना होता है। ये ट्रीट करता है विटामिन B12 के डिफिशियंसी को, जैसे कि परनेसियस एनीमिया हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। यूजेज की बात करें तो इसका जो यूजेज है पेरिफेरी न्यूरोपैथी, आपके हाथ और पैर में दोनों में कभी कभी क्या होता है, टिंगलिंग झंझनाहट होती है, या नमनेस यानी वो सुना सुनापन होने लगता है, या पेन होता है, तो ये सब चीज को ट्रीट करने के लिए आप पेरिफेरी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं न्यूरोबियोन फॉर्ट का। दूसरा जो है ADHD क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और थर्ड तो आपको पता ही है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट है जैसे कि नौसिया और वेमिटिंग, एलर्जी, इचिंग, डायरिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब इसके साइड इफेक्ट है। मतलब कि आपको उल्टी होंगे, आपको किसी चीज से एलर्जी होगी, या आपकी खुजली हो सकती है, या डायरिया, पेट गड़बड़ा सकता है, और या आपको खाने पीने का स्वाद पता नहीं चलेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है। इसके बाद हम कुछ डिजीज का जो डोजेज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। इसका डोज क्या है, तो बेसिकली एडल्ट में जो है ये 10 से 25 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं, और जब हम इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रा वेन में ले रहे हैं, तो IV और IM इंजेक्शन ले रहे हैं, तब इसका डोज जो होता है 20 से 100 mg पर डे हम ले सकते हैं। और इसका कंट्राडिक्शन यही है कि आपको बस एलर्जी हो तो ये दवा ना ले। स्टोरेज की बात करें तो ये कूल और ड्राई प्लेस में इसको रखा जाता है अच्छे से, और सूर्य की रोशनी से इसे बचा के रखे। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज इस ड्रग्स को ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल सेफ है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या जो लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही है, क्या इस ड्रग्स को ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल सेफ है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट के बारे में, क्यों लिया जाता है इंजेक्शन न्यूरोबियोन फॉर्ट, और इसके स्टोरेज बेनिफिट एंड साइड इफेक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें।